अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम फिरोज़ खान उर्फ मोहम्मद मुश्तबा खान बियाबानी। आज सुबह में 11 से 11:30 के दरमियान में मेरे घर पे आग लग गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के जरिए जैसे आग लगते हुए गीजर वगैरह जल गया और उसके बाद पूरा मेरा कमरा पूरा खाकिस्तर हो गया। कमरे में मेरी कोई चीज़ बाकी नहीं रही जिसमें मेरे सर्टिफिकेट्स थे, मेरी बीवी का सोना था, मेरे बीवी बच्चों के कपड़े वगैरह, कोई चीज़ बाकी नहीं रही। पूरा बेड वगैरह हर चीज़ जल के खाकिस्तर हो गई। यहाँ तक कि दलान में भी जहाँ पर मैं बच्चों को जैसे कुरान पाक की तालीम देता हूँ वो बच्चों के जैसे किताबें वगैरह आग लगते हुए जैसे पूरा दीवान खाना दलान वगैरह पूरा आग फैलती हुई जैसे कई एक चीज़ा नुकसान हो गए। मैं जनाब सीएम साहब से ख्वाहिश करूंगा कि इस मामले में खुसूसी तवज्जो फरमाएं और एमपी साहब से ख्वाहिश करूंगा कि इस मामले में खुसूसी तवज्जो फरमाएं और मेरी मदद फरमाएं। अब देखेंगे कि हज़ारों रुपये का जो है मेरा नुकसान हुआ है, लाखों रुपये का नुकसान हो गया, सोना वगैरह सब कुछ चलेगा, कोई चीज़ बाकी नहीं रही। ये इस मामले में जैसे आप तवज्जो दें। फायर ब्रिगेड को हम लोग बुलाए थे और उल्टा जो है फायर ब्रिगेड वाले आके आग बुझाने के बाद पैसे तलब करके 3,500 रुपए हमारे से वसूल करके गए। तरीका ये बताइए, फायर ब्रिगेड वाले 3,500 रुपए ले लिए जबकि हम खुद जो है परेशान हाल है। इस तरह का मामला हमारे साथ पेश आया। मैं इस मामले में आप तमाम से ख्वाहिश करूंगा, जितने भी मिनिस्टर्स है, सीएम साहब है, एमई साहब है, असदुद्दीन अवैसी साहब है और जितने भी जो है सो कारकुरान है मजलिस के एमएलए साहब मुबीन साहब, तमाम से जो है सो ख्वाहिश की जाती है इस मामले में तवज्जो फरमाएं और मुझे मेरा पासपोर्ट सर्टिफिकेट वगैरह ये दिलवाने की जो है सो मैं ख्वाहिश करता हूँ। अच्छा, आपका मदरसा चल रहा था इसके अंदर, तो वक्फ बोर्ड से जाना कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, वक्फ बोर्ड से भी मैं जो है गुजारिश करूंगा कि मेरा मदरसा जो चल रहा था, एक मेरी ख्वाहिश है कि एक बड़ा मदरसा कायम करके मैं यहाँ पर चलाऊँ, लेकिन आज जो मदरसा यहाँ पर बच्चों की जो तालीम हो रही है उसी में मेरा पूरा नुकसान हो गया। बच्चों के जो है बिछाने के लिए जो शतरंजी वगैरह थी वो भी जल गई, झूमर वगैरह जल गया, फैन वगैरह सब कुछ जल गया, पूरा लाइट वगैरह हर चीज़ जो है गिर गई, सीलिंग वगैरह भी टूट गई, कई एक चीज़ें नुकसान हुए। और जो नौजवान मदद करने आए थे उसमें भी एक बच्चे को सीलिंग गिर के टाके लग गए, खून निकला, ये सारे नुकसान हुए। माली नुकसान अंदाजा कितना होगा आपके हिसाब से? तकरीबन 10 लाख रुपए का जो है सो माली नुकसान हुआ। नहीं, जानी नुकसान नहीं वाला था। हाँ, हम फायर ब्रिगेड को बुलाए थे और पीएस में भी जो है सो इस मामले में काला पत्थर पीएस में जो है सो ये नोट कराए कि इस तरह का वाकया पेश आया। आपका एड्रेस भी बोलिएगा। यहाँ रंजन कॉलोनी नवाब साहब कुंडा अल हनीफ रेसिडेंसी के सामने मेरा घर है। ये अलमारी के अंदर पूरे मेरे सर्टिफिकेट्स मौजूद थे, पूरे सर्टिफिकेट मैंने इंटर का था, टेंथ का था और डिप्लोमा इन एजुकेशन करा मैं मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी, वो थे जामे निजामिया से खिरत इमामत खिताबत खजात के इम्तहान दिए थे उसके सर्टिफिकेट थे और मेरा पासपोर्ट था, मेरा आधार कार्ड था, मेरे बच्चों के सर्टिफिकेट थे, मेरे बच्चों की पढ़ाई की चीज़ें थे, मेरे बच्चों के आधार कार्ड थे, हर चीज़ मौजूद थी सब। आप देख रहे हैं कि पूरा जल के खाकिस्तर हो गया, कोई चीज़ बाकी नहीं रही। ये अलमारी के अंदर पूरे मेरे सर्टिफिकेट्स मौजूद थे, पूरे सर्टिफिकेट मैंने इंटर का था, टेंथ का था और डिप्लोमा इन एजुकेशन करा मैं मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी, वो थे जामे निजामिया से खिरत इमामत खिताबत खजात के इम्तहान दिए थे उसके सर्टिफिकेट थे और मेरा पासपोर्ट था, मेरा आधार कार्ड था, मेरे बच्चों के सर्टिफिकेट थे, मेरे बच्चों की पढ़ाई की चीज़ें थे, मेरे बच्चों के आधार कार्ड थे, हर चीज़ मौजूद थी सब। आप देख रहे हैं कि पूरा जल के खाकिस्तर हो गया, कोई चीज़ बाकी नहीं रही। कौन घंटा लगा?